नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झींगा मच्छी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे मैं आज ग्रीन मसाले में बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने 1 किलो झींगा लिया है और उसे अच्छे से साफ करने के बाद में 1 चम्मच हल्दी और 1 नींबू का रस मिलाकर 1/2 घंटे के लिए रख दिया था, आप देख सकते हैं। और ग्रीन मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हरा धनिया, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का और हरी मिर्चे 5-6। आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और 1 प्याज। इन सारी चीजों को हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है इस तरह से। यहाँ पे मैंने पैन रख दिया गर्म होने के लिए। उसमें मैंने 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा बनता है, तो आप सरसों का तेल ही इस्तेमाल कीजिए। तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें झींगा ऐड करेंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि अच्छे से इसका सारा पानी जो है सूख ना जाए। कम से कम 2 से 3 मिनट लग सकते हैं इसमें। ये देखिए पानी स्टार्ट हो गया है छोड़ना। इसे जब तक पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए तब तक इसे हमें अच्छे से पकाना है। देखिए पानी सारा सूख गया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल देती हूँ। अब मैंने इसी पैन में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है और तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा। अब मैं इसमें डालूंगी 2-3 तेज पत्ता। इसे भी हल्का सा चला लेते हैं। बारीक कटा प्याज, ये मैंने 1 बारीक प्याज काट के लिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और हल्का सा लाल होने देते हैं इसे। प्याज अच्छे से लाल हो चुका है। अब मैं इसमें ये मसाला डाल दूंगी। इसे अच्छे से भूनना है हमें ताकि मसाला जो हमारा है अच्छे से पक जाए। अब इसमें डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि हमें इसका ग्रीन जो कलर है वो चाहिए, इसलिए मैं बहुत ही थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ। ये काफी अच्छा कलर आ गया है और खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है इसकी। इसे हम पकने देते हैं कम से कम 2 से 3 मिनट तक। देखिए मसाला पक चुका है, साइड से देखिए तेल नजर आ रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी, मैंने 2 टमाटर काट के लिए हैं, इसे मैं इसमें डाल देती हूँ। इसे सॉफ्ट होने तक पकाना है हमें। देखिए टमाटर अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें झींगा ऐड कर दूंगी। नमक स्वाद अनुसार, और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो मसाला है अच्छे से झींगा में लग जाए।
तैयार हो गया है। आप भी इसको अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूं। मैं आपको इससे सर्व करके दिखाती हूँ, गैस को बंद कर देती हूँ। सच में दोस्तों बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है।